मुकेश अंबानी और इलॉन मस्क आए आमने सामने, किस बात पर आपस में भिड़ रहे हैं दोनों अरबपति, किस बात पर ये दोनों आ चुके हैं आमने सामने और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच। वेल, इस कॉर्पोरेट वॉर के पीछे का रीजन है सैटेलाइट इंटरनेट। दरअसल हाल ही में टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से होगा, ना कि नीलामी से यानी कि ऑक्शन से। अब यहाँ पर एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, जियो, एयरटेल और बाकी कुछ कंपनियां नीलामी वाली प्रोसेस को सपोर्ट कर रही थी, बल्कि एलॉन मस्क एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस चाह रहे थे। अब ये समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और नीलामी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो नीलामी में कंपनियां मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम की बोली लगाती हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में सरकार कंपनियों से एक मिनिमम फीस फिक्स चार्ज करती है। अब अगर इंटरनेट के यूज की नजर से देखा जाए तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, चाहे मुकेश अंबानी हो या इलॉन मस्क, सब इस पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की मदद से पूरी तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि ये सुपर फास्ट इंटरनेट है जो बिना सिम कार्ड के काम करता है, यानी इससे यूजर्स को फास्ट इंटरनेट तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही में दुनिया के किसी भी कोने से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नाम से भी साफ होता है कि इस पूरे नेटवर्क को सैटेलाइट की मदद से कंट्रोल किया जाएगा। फिलहाल इसकी मदद से ऐसे इलाकों को टारगेट किया जाएगा जहां पर केबल या DSL सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं और अपनी कंपनी स्टारलिंक के साथ भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में एंट्री लेना चाहते हैं और स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जारी हर हलचल पर वो एक नज़र बनाकर रखते हैं। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी इसके जरिए भारत के इंटरनेट का जो मार्केट है उसको रूल करना चाहते हैं। एलॉन मस्क ने भारत में स्पेक्ट्रम नीलामी की डिमांड पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अपने ट्विटर, जो कि अब एक्स अकाउंट है, उस पर एक पोस्ट के जरिए मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो द्वारा स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को चुनौती दिए जाने की रिपोर्ट के जवाब में ये कहा था कि स्पेक्ट्रम नीलामी अनप्रेसिडेंटेड होगी। यही नहीं, उन्होंने एक और एक्स पर ही पोस्ट किया था, उसमें उन्होंने मुकेश अंबानी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि फोन पर पूछूंगा कि क्या स्टारलिंक को भारत के लोगों को इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए कंपटीशन करने की परमिशन देना बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। दूसरी ओर मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो टेलीकॉम ऑपरेटर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज को एंश्योर करने के लिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी पर जोर दे रही थी। रिलायंस जियो का मानना है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का जो इस्तेमाल करने वाली कंपनियों में इक्वल कॉम्पिटेटिव ऑक्शन प्रोसेस से गुजरना चाहिए। सैटेलाइट इंटरनेट के रास्ते ही एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, वो भारत में एंट्री लेने का रास्ता ढूंढ रही है। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी इसके जरिए भारत के इंटरनेट मार्केट को रूल करना चाहते हैं। आपको बता दें कि एलॉन मस्क की स्टारलिंक लो अर्थ सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है, जो धरती से करीब होते हैं, वहीं जियो MEO यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है, जो कि LEO के कंपैरिजन में थोड़ा दूर होती है। तो वेल, आपको क्या लगता है कि सैटेलाइट इंटरनेट के स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के लिए अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कहा गया है, जिसके खिलाफ मुकेश अंबानी थे और जिसके सपोर्ट में एलॉन मस्क थे, वो कितना सही है? खास तौर पर भारत की इंटरनेट जरूरतों को देखते हुए जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।